दूर कर दो इस गद्दार को मेरी नजरों से। सैमी, मेरे साथ इतनी बड़ी धोखेबाजी। अगर अभी भी मैं तुझे ब्लड लाइन से बाहर नहीं निकाला तो ये मेरी सबसे बड़ी बेवकूफी होगी, क्योंकि मुझे ये यकीन हो चुका है कि तू उस केविन ओवन के साथ मिला हुआ है। तो गाइस, इतना कुछ होने के बाद अब सैमी का तो ब्लड लाइन से निकलना तय है, लेकिन रोमन के सैमी को ब्लड लाइन से बाहर निकालने के बाद सैमी जेन रोमन रेंस को बर्बाद करके रख देंगे। रोमन रेंस खो देंगे अपने WWE चैंपियनशिप को सैमी जेन की वजह से। और गाइस, रोमन के बाद नेक्स्ट न्यू WWE चैंपियन सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस होने वाले हैं। तो हे गाइस, इस छोटे से इंट्रो के बाद आप लोगों को ये यकीन हो चुका होगा कि वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो प्लीज गाइस, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग वीडियो को एंड तक देखें। और गाइस, एंड ऑफ द मोमेंट, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज गाइस, WWE की ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए फिर गाइस, आज के इस कमाल के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं काफी बड़ी गुड न्यूज के साथ। डेली इतने सारे रूमर्स आने के बाद क्या WWE ने खुद कंफर्म कर दिया कि रॉक कंफर्मली रॉयल रंबल में आने वाले हैं। तो गाइस, अभी हुआ कुछ ये है कि WWE ने अपने वेबसाइट पे रॉक की न्यू मर्चेंडाइज टी-शर्ट निकाल दी है। और गाइस, ये बिल्कुल सोचने वाली बात है, अभी इसी टाइम पर इस मर्चेंडाइज को निकालना जब ये रूमर आ रही है कि रॉक का रिटर्न होने वाला है। तो गाइस, इसका क्या मतलब हो सकता है? WWE सुपरस्टार के मर्चेंडाइज को तभी लाते हैं जब उन्हें ये पता होता है कि इसकी सेल बढ़ने वाली है और उस सुपरस्टार का कंपनी में रिटर्न होने वाला है। तो गाइस, अब मुझे ये लगता है कि फैंस को यकीन हो जाना चाहिए कि फाइनली हमारे द पीपल्स चैंप WWE के ग्रेट वन द रॉक का रिटर्न अब कुछ ही दिनों में रॉयल रंबल में बस होने ही वाला है। तो गाइस, सच बताना, क्या आप लोग WWE में वापस से रॉक को देखने के लिए एक्साइटेड हो? तो चलिए फिर गाइस, अब बात करते हैं आज के वीडियो की सबसे बड़ी अपडेट के बारे में। तो गाइस, लास्ट वीक स्मैकडाउन में आप लोगों ने ये नोट किया या फिर नहीं, होता कुछ ये कि केविन ओवन और सैमी ज़ेन के मैच के बीच उसोस के केविन ओवन पे काफी ब्रूटल तरीके से अटैक करने के बाद जब केविन ओवन नीचे गिरे हुए होते हैं और ब्लड लाइन के सारे मेंबर वी द वंस के पोज में थे, तब गाइस यहाँ कुछ ये देखने को मिलता है कि केविन ओवन सैमी ज़ेन के पैर पकड़े हुए हैं। और इससे भी बड़ी बात गाइस यहाँ ये हुई कि केविन ओवन सैमी ज़ेन के पैर को पकड़े हुए ये जिमी उसो ने देख लिया। यहाँ से गाइस ये कहना तो पूरी तरह से सच है कि भले सैमी ब्लड लाइन के सामने ये दिखावा करते हैं कि उनका अब केविन ओवन से कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन गाइस सच तो यही है कि सैमी ज़ेन 100% केविन ओवन के साथ मिले हुए हैं। गाइस, सैमी ब्लड लाइन के बाकी मेंबरों को बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन ट्रैवल चीफ रोमन रेंस को बिल्कुल भी नहीं। लास्ट वीक रोमन का सैमी के ऊपर बिहेवियर से ये पता चल गया था कि अब सैमी ब्लड लाइन में लंबे टाइम तक नहीं टिकने वाले हैं। तो गाइस, क्या आपको पता है रोमन सैमी को ब्लड लाइन से कैसे बाहर निकालेंगे? और ब्लड लाइन से निकलते निकलते सैमी रोमन के साथ एक बड़ा खेल खेल जाएंगे। तो गाइस, अभी एक पक्की खबर ये है कि WWE ने अपने पेपर के ऊपर ये लॉक कर लिया है कि रॉयल रंबल के ठीक बाद आने वाले मंडे नाइट रॉ या फिर स्मैकडाउन पे रोमन रेंस से WWE चैंपियनशिप ले ली जाएगी। इस चीज का सबसे बड़ा रीजन ये होगा कि गाइस, आप लोग देख रहे होंगे कि हर वीक सैमी ज़ेन ब्लड लाइन के साथ मंडे नाइट रॉ पर आते हैं, इसके बाद पूरे मंडे नाइट रॉ को डिस्ट्रॉय कर वहां के सुपरस्टारों और ऑफिशियल पे अटैक कर उन्हें काफी बुरी तरह से मार और इंजर्ड कर वहां से चले जाते हैं। और ये चीज गाइस जनरल मैनेजर एडम पियर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, जिस वजह से इस वीक मंडे नाइट रॉ में आप लोगों ने देखा होगा कि एडम पियर ने उसो से कहा कि उन्हें अपनी रॉ टैग टीम चैंपियनशिप को मंडे नाइट रॉ में जजमेंट डे के खिलाफ डिफेंड करना होगा। और गाइस यहां सबसे बड़ी बात ये है कि उसोज अपने अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप को नहीं बल्कि रॉ टैग टीम चैंपियनशिप को डिफेंड कर रहे हैं। और ऐसा कराने का गाइस एडम पियर का यही मोटिव है कि उसोज किसी तरह से अपने रॉ टैग टीम चैंपियनशिप को हार जाए और दोबारा से वे मंडे नाइट रॉ पर कभी भी नहीं आए। और गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि काफी ज्यादा चांस है कि नेक्स्ट वीक रॉ के 30th एनिवर्सरी पे उसोज अपने रॉ टैग टीम चैंपियनशिप को हार सकते हैं। लेकिन गाइस उसोज के हार जाने के बाद भी सैमी ज़ेन वापस से पूरी ब्लड लाइन के साथ मंडे नाइट रॉ पर आते हैं और वहां के सुपरस्टारों को मारते हैं और इंजर्ड करते हैं। तो इसके बाद गाइस एडम पियर बिना कुछ सोचे ट्रैवल चीफ रोमन रेंस को मंडे नाइट रॉ पर बुलाएंगे और वे रोमन से कहेंगे कि उसोस से रॉ टैग टीम चैंपियनशिप लेने के बाद भी वो मंडे नाइट रॉ के सुपरस्टारों को इंजर्ड कर रहा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि
रॉ की सबसे बड़ी चैंपियनशिप WWE चैंपियनशिप तुम्हारे पास है। इसके बाद गाइस एडम पियर रोमन रेंज से WWE चैंपियनशिप को स्ट्रिप्ट करवा लेंगे। वे छीन लेंगे रोमन रेंज से उनके WWE चैंपियनशिप को और इसके बाद से ब्लड लाइन मंडे नाइट रॉ में वापस से कभी भी नहीं आएंगे। और गाइस रोमन रेंज से चैंपियनशिप को छीनना एडम पियर के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। पहली बात तो वो एक ऑफिशियल है और दूसरी बात भाई काफी गर्म दिमाग के आदमी है। यही वो आदमी है जिन्होंने WWE के द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर, ऑलमाइटी बॉबी लेस्ली और द बैडेस्ट वुमेन ऑन द प्लेनेट रोंडा राउजी को सस्पेंड किया है। और क्यों तो वही सुपरस्टार और ऑफिशियल पे अटैक करने के कारण। तो गाइस ब्लड लाइन की इस गलती के लिए रोमन से चैंपियनशिप लेना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और गाइस यहाँ WWE कहानी में ये ट्विस्ट लाएगी कि यहाँ सारी गलती सैमी ज़ेन की है। वही ब्लड लाइन को मंडे नाइट रॉ पर ले जा वहाँ के सुपरस्टारों को इंजर्ट करते थे जिस वजह से रोमन रेंस की WWE चैंपियनशिप उनसे लूटी। तो गाइस रोमन इसी गलती का सजा देते हुए सैमी ज़ेन को ब्लड लाइन से बाहर निकालेंगे और फिर इसके बाद एलिमिनेशन चेंबर में रोमन रेंस वर्सेस सैमी ज़ेन का मैच कंफर्म हो जाएगा। एलिमिनेशन चेंबर फरवरी मंथ में रॉयल रंबल के बाद होने वाला WWE का नेक्स्ट प्रीमियम लाइव इवेंट है। तो गाइस रोमन के WWE चैंपियनशिप का मंडे नाइट रॉ पर आ जाने के बाद WWE इस चैंपियनशिप के लिए एक टूर्नामेंट करवा सकती है। और गाइस इस टूर्नामेंट का पॉसिबल विनर WWE के विजनरी द सेथ फ्रीकिन रॉलिंस को बताया जा रहा है। इसके बाद गाइस ये बताया जा रहा है कि सेथ अपने WWE चैंपियनशिप को रेसलमेनिया में द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स के अगेंस्ट डिफेंड कर सकते हैं। और गाइस रोमन के बाद सेथ ही WWE चैंपियन बनेंगे। मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि कुछ दिन पहले सेथ ने ये कहा था कि उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि वे इस साल रेसलमेनिया में मेन इवेंट करने वाले हैं। और ऑब्वियसली गाइस अगर वे WWE चैंपियन बनते हैं तो रेसलमेनिया के नाइट वन में कंफर्मली कोडी के साथ मेन इवेंट करेंगे। तो चलिए गाइस अब थोड़ा बात करते हैं कल होने वाले स्मैकडाउन के बारे में। गाइस कल के स्मैकडाउन में काफी धमाल होने वाला है क्योंकि गाइस कल रॉयल रंबल मैच के लिए ट्राइबल चीफ और प्राइस फाइटर के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होने वाला है। और गाइस आप लोग तो ये जानते हो कि कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग तो एक बहाना है, एक्चुअल में कल के स्मैकडाउन में WWE को रोमन और केविन के बीच एक धांसू मार करवाना है। तो चलिए फिर गाइस आज के वीडियो को यहीं पेंट करते हैं। आई होप कि आप लोगों को आज का वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। गाइस वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो। टिल देन बाय एंड टेक केयर।